धौलपुर पुलिस के डकैत भारत गुर्जर और रामविलास गुर्जर से मुठभेड़ हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में सती मंदिर के पास चंबल के बिहड़ों में हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई और इस मुठभेड़ में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने डकैत भारत गुर्जर के पिता डकैत सोनेराम गुर्जर को दबोच लिया है और साथ में पुलिस ने एक अन्य संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया है। एसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को दोनों डकैतों के गैंग की लोकेशन देवगढ़ थाना क्षेत्र के जंगलों में मिली थी और जिसके बाद पुलिस पीछा करते हुए लोकेशन पर पहुंची, जहां सती मंदिर के पास चंबल नदी किनारे बिहड़ों में आमने सामने हो गए और इस दौरान पुलिस और डकैतों में फायरिंग हो गई। इसी बीच गोलियां खत्म होने पर गैंग के सदस्य बिहड़ों का सहारा लेते हुए भाग गए, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए डकैत सोनेराम और उसके एक साथी को दबोच लिया है। डकैत सोनेराम गुर्जर पर 3,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। बदमाशों की चंबल पार करके देवगढ़ माने की सूचना थी और हमारे पास टेक्निकल इंटरव्यू था, उसके आधार पर हमने कॉम्बिंग कराई है और कॉम्बिंग में बदमाशों की तरफ से दो बार में दो दो राउंड फायर हुए। इसी बीच हमने कॉम्बिंग के दौरान दो संदिग्ध लोगों को भी दस्तयाब किया, इसे पूछताछ की जा रही है, जल्दी ही कोई बड़ी सफलता हाथ में। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।